नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी की कहानी काफी पुरानी है। दो अलग अलग धार्मिक सोच वाले ये दोनों देश अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यहूदियों के नाम पर इजराइल अलग देश बना, तब कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसका इजराइल ने डटकर मुकाबला किया। और इस लड़ाई में इजराइल ने दुश्मन देशों को बुरी तरह से हराया और गाजा पट्टी इलाके पर भी कब्जा कर लिया। इसी के साथ फिलिस्तीन में विरोध होना शुरू हो गया और हमास नाम के एक आतंकी समूह का जन्म हुआ। इस समूह का मानना है कि इजराइल कोई देश ही नहीं है और उसे अरब मुल्क बना देना चाहिए। तभी से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इसके चलते इजराइल ने फिलिस्तीन के कई आतंकियों को अपनी जेल में डाल रखा है। बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों को अपनी पत्नियों से मिलने की इजाजत भी नहीं होती है, जबकि ज्यादातर इंटरनेशनल जेलों में कैदियों को अपनी पत्नियों के गर्भवती होने के चलते मिलने की इजाजत होती है। लेकिन इजराइल को ये डर है कि अगर उसने हमास के आतंकियों को उनकी पत्नियों से मिलने की इजाजत दे दी तो वो अपनी पत्नियों के जरिए या तो कुछ मंगवा सकते हैं या फिर कोई खबर बाहर भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि पत्नियों से ना मिलने की वजह से जेल में बंद इन आतंकियों का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन अब फिलिस्तीन की अथॉरिटी की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल की जेल में बंद हमास के आतंकियों ने अपना वंश बढ़ाने का तरीका खोज लिया है और वो तरीका है स्पर्म स्मगलिंग। खबर है कि इजराइल की जेल में बंद कैदी अब चॉकलेट के पैकेट्स, सिगरेट लाइटर, पेन, कुकीज, यहाँ तक कि बारीक चीरे लगाकर ताजे फलों में स्पर्म भरकर बाहर भेज रहे हैं। ये इस तरह से होता है कि इजरायली जेलों में बंद कैदियों को उनकी पत्नियां तोहफे में खाने की चीजें दे सकती हैं। कैदियों के लिए तोहफा कब आ रहा है इसकी सूचना पहले से ही कैदी तक पहुंचा दी जाती है। जैसे ही उन तक तोहफा पहुंचता है वो पहले से ही तैयार रहते हैं और स्पर्म को तोहफे के बीच डालकर बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से वो स्पर्म सुरक्षित रखने के लिए सीधा क्लिनिक पहुंचाया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस काम में ईरान इन लोगों का साथ देता है। वजह साफ है, क्योंकि ये देश इजराइल के कट्टर दुश्मन है और किसी भी तरीके से उसे खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद इस स्पर्म को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, फिर सारी प्रक्रिया को पूरा करके महिला को गर्भवती किया जाता है। खास बात यह है कि स्पर्म के जरिए आईवीएफ के लिए डॉक्टर बहुत कम फीस लेते हैं, क्योंकि इस काम को करने वाले डॉक्टर और गर्भवती होने के लिए आई महिलाएं इसे इजराइल के खिलाफ विद्रोह की तरह देखती हैं। महिला को प्रेग्नेंट करने के दौरान कागजी कार्रवाई भी की जाती है। ये सब इसलिए होता है ताकि भविष्य में उस महिला को समाज में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जेल में बंद 71 कैदियों की पत्नियां अपने पति के स्पर्म से गर्भवती हो चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसकी खबर इजराइल को नहीं होती, तो आपको बता दें कि इसकी जानकारी इजराइल के अधिकारियों को मिल जाती है। जब इजरायली अधिकारियों को इस बात का पता चलता है तो स्पर्म स्मगलिंग करने वाले उन कैदियों को कड़ी सजा भी दी जाती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।